ये वीडियो अगर देखते हैं तो आपका एसिडिटी के बारे में नज़रिया चेंज हो जाएगा। मुझे कई चीज़ों से एसिडिटी हो जाती है, जब भी मैं कोई केमिकल से चीज़ें होती जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है तो उससे मुझे एसिडिटी हो जाती है। लेकिन उस एसिडिटी को मैं इस तरह से कंसीडर करता हूँ कि ये ख़राब चीज़ें हैं और मेरा बॉडी मुझे सिग्नल दे रहा है कि जो है आप इसका सेवन बंद कर दें क्योंकि ये ख़राब है और सही चीज़ों का इस्तेमाल करें। जब मैं शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे एसिडिटी नहीं होती है। सो तो मैंने इसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं समझा। अब मैं इसको अगर प्रॉब्लम समझ के मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो डॉक्टर क्या करेगा, मेडिसिन देगा, रेंटेक, रविप्राजोल, एंटासिड, ये सारी दवाइयाँ क्या करेंगी? जो स्टमक में जो बन रहा है एसिड उसको कम कर देगा। अब एसिड तो इसीलिए बनता है ताकि खाना पचे, जब एसिड बनेगा ही नहीं तो खाना कैसे पचेगा? फिर आपको जब ये दवाइयाँ आप लेंगे तो आपको जो है इनडाइजेशन की समस्या आ जाएगी। जब खाना नहीं पचेगा तो खाना वेस्ट मटेरियल निकलेगा भी नहीं, सो वहाँ से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब मेरा नज़रिया जो है एसिडिटी के बारे में डिफरेंट है। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 2014 में हमने शिफ्टिंग किया था अपना घर का, जो है पहले मोहाली में रहते थे हम, तो अभी खरड़ में रहते हैं, हमारा अपना मकान यहाँ पे खरड़ में। तो उस समय जो है पानी, हमने ऑब्जर्व किया कि पानी ठीक नहीं, क्योंकि पीने के बाद जो है पेट भारी बन रहता था और जो है गैस बनाता था, तो मैंने पानी उस टाइम पे उबाल के पीना शुरू कर दिया। उसके बाद अब मैं क्या है कि डेली बेसिस पे मैं करेले का जूस मॉर्निंग में, एक मेरा ग्रीन जूस फिक्स है, अब उसमें पानी डालना पड़ता है। तो मैं जब भी करेले के जूस में पानी डाल के पीता था तो मुझे एसिडिटी बन जाती थी शाम तक। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, पानी को चेंज किया। अब ये बिसलेरी की बोतल है, 5 लीटर की बोतल है, इसको मैं ले आता हूँ और पीता हूँ। 1 लीटर पानी दिन में मेरा यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा ज़्यादातर जो पानी का जो कंजम्पशन है वो फल फ्रूट और सब्जियों से आता है, तो मुझे पानी की ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा 1 लीटर इसमें से यूज़ होता है। सो इसी प्रकार से अब जैसे कि मैं यहाँ पे दूध, दही, घी, मक्खन कुछ भी अगर खाता हूँ यहाँ का, क्योंकि वो पूरी तरह शुद्ध नहीं है तो वो मुझे एसिडिटी कर देता है। लेकिन जब मैं यहाँ से अपने गाँव जाता हूँ घर आजमगढ़ में, मेरे घर पे देसी गाय है, उसका दूध जब मैं पीता हूँ, दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि, मुझे किसी प्रकार की एसिडिटी नहीं होती। तो इससे ये साबित होता है कि जो ख़राब चीज़ें हैं वो एसिडिटी बनाती है, और एसिडिटी बनाना कोई गलत चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको नज़रिया इसमें आपको बदलने की ज़रूरत है कि बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है कि ये ख़राब चीज़ है, इसको बंद कर दो। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को सिग्नल को नहीं मानेंगे, आप उसको खाते जाएंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है, बॉडी सिग्नल दे रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें ख़राब चीज़ नहीं है। क्योंकि जब आप ख़राब चीज़ें डालेंगे तो ही एसिडिटी होगा, अच्छी चीज़ डालेंगे तो एसिडिटी कभी नहीं होगा। अपनी बॉडी को ये पॉजिटिव ले कि आपका बॉडी बहुत अच्छा है, कि आपको सिग्नल दे रहा है। कई लोगों को तो सिग्नल देता ही नहीं है, कई लोग जो मोटे होते हैं उनको सिग्नल नहीं मिलता, वो खाते जाते हैं और मोटापा का शिकार हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण देता हूँ। अब मैं दोपहर को लंच करने के बाद एक सामने पार्क है वहाँ जाता हूँ, वहाँ एक आम का पेड़ है, काफ़ी सारा आम गिरा होता है, मैं रोज़ डेली खाता हूँ, मुझे एसिडिटी नहीं होती। लेकिन जिस दिन मैं बाज़ार से ख़रीद के खा लूँ आम जो कि केमिकल में पकाया होता है, तो मुझे एसिडिटी हो जाती है। इस प्रकार से अब मैं ये थोड़ी ना सोचूंगा कि भाई नहीं, मुझे तो एसिडिटी की समस्या है और मैं डॉक्टर से जाके दवाइयाँ ले लूं और फिर मैं आगे प्रॉब्लम में फंस जाऊं। नहीं, मैं ये समझता हूं कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है जो मुझे सिग्नल दे रही है सही और गलत का फ़र्क का। हर किसी के बॉडी में ये चीज़ नहीं होती। अगर आपकी बॉडी में ऐसा हो रहा है तो इसे आप पॉजिटिव लें, इसे नेगेटिव मत लें।